हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने नारकंडा में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान बताया कि सेब बहुल इलाकों में कोरोना महामारी फैलने का अधिक खतरा हो गया है। जिस तरह से बिना पुख्ता जांच के बाहर से लोगों को प्रवेश दिए जा रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए था। जांच के प्रवेश पर ही पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे। राठौर नारकंडा में ठोक कुमार सेन ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का भी पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि ठियोग कुमार सेन दोनों क्षेत्र के कांग्रेसी एक साथ बैठक कर रहे हैं, ये सामंजस्य का संदेश है। सेब बीमारी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 5,000 करोड़ की आर्थिक पर सरकार की उदासीनता से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कुलदीप राठौर ने बताया कि बागवानी विशेषज्ञों ने फरवरी में ही सेब में बीमारी फैलने की आशंका जताई थी। सरकार को इस हिसाब से व्यवस्था कर बीमारी रोकथाम के लिए कदम उठाना चाहिए था। राठौर ने कहा कि सेब में बीमारी लगने के कारण बीमारी युक्त सेब सरकारी रही है, इससे बागवानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि सेब सीजन के लिए सरकार को मजदूरों की व्यवस्था करने के लिए 4 माह पूर्व ही कहा गया था। सरकार की उदासीनता के कारण आज मजदूरों का बंदोबस्त करना बागवानों को मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि नारकंडा और आसपास व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने के कारण सड़क में जाम और गंदगी फैल रही है और सेब बिक्री की व्यवस्था जवाबदेही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। सरकार ने बहुत जो है उपाय किए और सरकार के मजबूत प्रयासों से जो है इस बीमारी के काबू पाया गया। और अभी जो हमारे संज्ञान में बात आई कि जितने भी ये HPMC के स्टोर्स हैं वहाँ पे जो विक्रय केंद्र है वहाँ स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो स्कैब या दागी सेब है उसको नहीं खरीदा जाए, जो गलत बात है। क्योंकि हमारे समय में जब ये बीमारी आई थी तो सरकार ने सेब खरीदा था और उसको डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन ये सरकार जो है इस तरह नहीं कर रही है। क्योंकि आज बागवानों को राहत देने वाली बात है, जिस ढंग से बगीचों के खर्चे बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ महंगी, फंगिसाइड महंगी, मजदूरी महंगी, तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि बागवानों को राहत दे और हर किस्म का सेब जो है उसकी सरकार जो है खरीद करे। और एक समस्या जो सबसे बड़ी है लेबर की, हमने लगभग 3 महीने पूर्व, मैं स्वयं, मेरे साथ 3 हमारे पार्टी के विधायक विक्रमादित्य सिंह, नंदलाल जी और राक्ता जी, हम मुख्यमंत्री जी से मिले, हमने चर्चा की उनसे। हमने कहा कि मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। हमने उनको कहा कि आप नेपाल से मजदूरों का प्रबंध करें और सरकार जो है अपने खर्चे पे HRTC की बसें मुहैया करा के मजदूरों को यहाँ लाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और अभी लोग अपने तौर पे मजदूरों को ला रहे हैं और एक मजदूर जो है 8-8, 10-10 हज़ार में यहाँ पड़ रहा है। तो यहाँ भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत घालमेल चल रहा है। और जिन मजदूरों को लाया जा रहा है उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन जो क्वारंटीन सेंटर है वहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं है और बगैर किसी चेकअप के, बगैर रिपोर्ट के 5 दिन बाद उनको रिलीज किया जा रहा है। महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मंडियों में कोई भी सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए तो वो मुझे कहीं नज़र नहीं आए। जो हमारे आढ़ती हैं उन्होंने अपने तौर पे किए हैं, लेकिन बहुत जो है कम है, नाकाफ़ी। तो मैंने सरकार से ये कहा कि पूरे इंतज़ाम होने चाहिए, क्योंकि शुरू में जो एक प्रवेश द्वार होना चाहिए जहाँ सभी लोग जो अंदर प्रवेश करें उनको प्रॉपर उनके हाथ सैनिटाइज किया जाए, मास्क की व्यवस्था होनी चाहिए और पूरी प्रिकॉशन जो है लिए जाने चाहिए। तापमान जो है उनका नोट किया जाना चाहिए।